गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले भोपाल मेट्रो की पहली झलक सामने आ गई है। भोपाल मेट्रो के 3 कोच को अनलोड किया गया है। कर्मचारियों ने ताली बजाकर कोच को ट्राले से उतारने का काम शुरू किया। इसके बाद 2 बड़ी क्रेन के सहारे एक एक कोच के डिपो में ट्राले को उतारा गया है। तो आपको बता दें कि कोच गुजरात से 8 दिन में भोपाल पहुंचे हैं और अब ट्रायल रन को लेकर भोपाल वासियों को बेसब्री से इंतजार है। मेट्रो को लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर सिस्टम शोभित टंडन ने खास बात की हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी से। समय हम देखें, एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें मेट्रो के कोच अनलोड किए जा रहे हैं। 3 कोच की ये मेट्रो रहेगी और जब पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मेट्रो के कोच अनलोड किए जा रहे हैं और ये पहला कोच जो कि ऑरेंज मेट्रो है उसका ये पहला कोच, इसके बाद 2 और मेट्रो कोच अनलोड किए जाएंगे और इसके बाद अनलोडिंग के बाद इन कोच को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी मेट्रो बनकर तैयार होगी। इस मेट्रो का जो पहला ट्रायल है करीब 3.5 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मेट्रो जो अब अनलोड हो रही है, इसके कोच अनलोड हो रहे हैं और इसके बाद इसे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्दी मेट्रो बनकर तैयार होगी? हाँ, ये पहला कोच हम आपके सामने ही अनलोड कर रहे हैं और बाकी 2 कोचेज भी हमारे पास आ चुके हैं और उनको इसके बाद अनलोड करेंगे और फिर ट्रेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। ये ऑरेंज इसको कोच या मेट्रो नाम दिया गया है, इसका कुछ खास रीज़न? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक, हमारे पास भोपाल में 2 लाइन्स हैं, एक ऑरेंज लाइन है और एक ब्लू लाइन है और इंदौर में येलो लाइन है। तो लाइन का एक इम्पोर्टेंस यही होता है कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि कहाँ कौन सी लाइन पर हैं वो, कहाँ जाना है और उस हिसाब से का जो प्लान है। फिलहाल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मेट्रो कोच है वो वहाँ पर